हेलो स्टूडेंट, जय स्वामी नारायण। टुडे वी कंटिन्यू विद द प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड रिसोर्स लेवलिंग चैप्टर। ओके, एग्जांपल्स हम देखेंगे लेवलिंग के रिलेटेड। ओके, द नेटवर्क ऑफ ए प्रोजेक्ट इज शोन बिलो इन फिगर 5.8। द रिक्वायरमेंट ऑफ द मिशंस ऑफ ईच एक्टिविटी शोन इन ब्रैकेट ऑन द एरो एंड द ड्यूरेशन बिलो द एरो। लेवल आउट द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज इफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मिशंस ऑन एनी डे हैज़ टू बी लिमिटेड टू 7। ओके, तो यहाँ पे मिशंस की रिक्वायरमेंट है, एक्टिविटी ड्यूरेशन है, यहाँ पे मिशंस कितने मैक्सिमम आप 7 रख सकते हैं, ऐसा आपको बोला है। यहाँ पे नेटवर्क डायग्राम आपको दिया है, तो आपको आपने जो भी CPM नेटवर्क पढ़ा था उसमें जो भी था वही प्रोसीजर इसमें अगेन करना है। तो यहाँ पे आपको TE0 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में ए एक्टिविटी है, उसके ब्रैकेट में जो भी लिखा है दैट इज़ नंबर ऑफ मिशंस। देन जी एक्टिविटी है, उसमें ब्रैकेट में लिखा है दैट इज़ नंबर ऑफ मिशन। ड्यूरेशन कितना है तो नीचे लिखा है T=2, T=5। देन TE दैट मीन्स इनिशियल टाइम 0 है। देन ये सब प्रोसीजर आपने CPM कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट चैप्टर जो है उसमें आपने ये सब किया था। ओके, तो आपको यहाँ पे एक्टिविटी 1-2 की बात करनी है, तो 1-2 एक्टिविटी ए है, उसमें एक्टिविटी ड्यूरेशन कितना है 2 दिया है, वो यहाँ पे लिखना है। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम दैट मीन्स TE कितना है, इनिशियली 0 है। देन 1-2 एक्टिविटी में इनिशियली स्टार्ट टाइम 0 है और फिनिश टाइम कितना आएगा, तो 0+2 दैट इज 2, दैट मीन्स 2 दैट इज अर्लीस्ट फिनिश टाइम। देन नेक्स्ट दूसरी एक्टिविटी 1-3 की बात करें तो इनिशियल स्टार्ट टाइम कितना है दैट इज़ 0, ड्यूरेशन कितना दिया है 6 और फिनिश टाइम कितना है दैट इज़ TE दैट इज़ 6। ओके, तो ये सब इसमें लिखना है। 1-4 एक्टिविटी के लिए तो 1-4 है, तो EST की वैल्यू कितनी है 1-4 के लिए, तो EST की वैल्यू 0 इनिशियल और इसमें कितना है TE दैट इज़ 4। ओके, जो भी आता है पर एक्टिविटी वो आपको लिखना है। 1-4 की बात करते हैं तो यहाँ पे 0+4 दैट इज 4। देन 2-3-5 की बात करें तो 3-5 एक्टिविटी में भी अगेन क्या आएगा, तो 3-5 एक्टिविटी में आपको TE कितना है दैट इज 6 और ये कितना आएगा 6+4 दैट इज 10 आएगा। ओके, उसी तरह से 2-6, 4-6 और 5-6 जो भी एक्टिविटी है, 2-6 एक्टिविटी जी है दैट इज 2-6, तो 2-6 में TE कितना है दैट इज 2+ कितना है 5 दैट मीन्स 7 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है आपने 7 और इनिशियली TE कितना है 2 है। देन 4-6 है, तो 4-6 में अगेन आपके पास TE का वैल्यू इनिशियली कितना है दैट इज 10। ओके, 4-6 तो 4-6 में आपके पास TEI 4-6, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। 4-6 दैट मीन्स 4 1-4 जो भी है इसमें क्या है कि जो भी हम CPF नेटवर्क में क्या करते थे, जो भी मैक्सिमम वैल्यू आती थी ना वो लेते थे, बट इसमें आपको सिंपली EST दैट मीन्स स्टार्ट टाइम। तो अभी 4-6 की बात करें तो 4-6 तो 4-6 में 1-4 और 4-6 आएगा, तो 1-4 एक्टिविटी में ये कितना है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है बिकॉज यहाँ पे TE का वैल्यू क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, तो इसमें क्या लिखा है दैट इज 10 लिखा है, तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा 4+4, तो यहाँ पे क्या आएगा 4-6 8 आना चाहिए, तो यहाँ पे 8 आएगा, इनिशियली 4 आएगा। देन 5-6 में TE का वैल्यू कितना है दैट इज 10 है, +5 दैट इज 50। ओके, तो आपको EST और EFT का वैल्यू मिल गया। देन लेटेस्ट स्टार्ट टाइम दैट मीन्स व्हाट, तो 1-2 एक्टिविटी जो भी है उसमें लेटेस्ट स्टार्ट टाइम आपको फाइंड आउट करना है। तो 1-2 एक्टिविटी है, तो 1-2 एक्टिविटी में यहाँ पे TL का वैल्यू कितना है 10 है, दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आपको फाइंड आउट करना है, LFT फाइंड आउट करना है दैट इज 10। देन 1-3 एक्टिविटी है तो उसमें TE कितना है 6, TL कितना है 6। देन 1-4 एक्टिविटी है उसमें TL कितना है 10,
देन 3 to 5 एक्टिविटी है, उसमें टीयर कितना है 10, ये सब लिख के फिर आपको डी ड्यूरेशन डायरेक्ट डिडक्ट करना है। दैट मीन्स 10 माइनस 2 दैट इज 8, 6 माइनस 6 दैट इज 0, देन 10 माइनस 4 दैट मीन्स एक्टिविटी ड्यूरेशन डिडक्ट करना है LFT में से। तो 10 माइनस 4 कितना आएगा, 6 आएगा। 15 माइनस 5 कितना आएगा, 10 आएगा। 15 माइनस 4 कितना आएगा, दैट इज नॉट 10, 11 आना चाहिए। ओके, देन 15 माइनस 5 कितना आएगा, अगेन ये क्या आएगा, 10 आएगा। अभी क्या करना है आपको, LFT माइनस EFT, तो LFT माइनस EFT, तो 10 माइनस 2 कितना आएगा, 8। 6 माइनस 6 कितना आएगा, 0। 10 माइनस 4 कितना आएगा, 6। देन 10 माइनस 10 कितना आएगा, 0। देन 15 माइनस 7 कितना आएगा, 8। 15 माइनस 8 कितना आएगा, 7। देन 15 माइनस 15 कितना आएगा, 0। तो जिस जिस फ्लोट में 0 0 जहाँ पे भी है, दैट इज योर क्रिटिकल एक्टिविटी। तो क्रिटिकल पार्ट कौन सा आएगा अभी आपका, तो क्रिटिकल पार्ट 1 2 3, देन 1 2 3 5 6, दैट मीन्स 1 3 5 6 दैट इज योर क्रिटिकल पार्ट। 1 3 देन 3 5 एंड 5 6, दैट मीन्स 1 3 5 6 आपका क्रिटिकल पार्ट होगा। द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट अलॉन्ग द क्रिटिकल पार्ट इज कितना आएगा, 15 डेज है। नाउ प्रिपेयर द बार चार्ट फॉर डिटरमाइनिंग द क्यूमुलेटिव रिक्वायरमेंट ऑफ द मिशंस ऑन ईच डेज। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी बार चार्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो बार चार्ट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिविटी 1 2 है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल प्रिपेयर करना है। वो टेबल प्रिपेयर फ्रॉम द बार चार्ट ऑफ टेबल 2 द हिस्टोग्राम प्रिपेयर। तो ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बार चार्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो बार चार्ट में ड्यूरेशन, ये टेबल है, ये टेबल 2 आपने प्रिपेयर किया है, जिसमें आपने क्या लिखा है, ड्यूरेशन इन डेज 1 2 3 4 5 6 समथिंग लिखा है। 1 to 2 डेज है, तो 1 to 2 एक्टिविटी जो भी है उसमें मेंशन कितने चाहिए, तो 4 मेंशन चाहिए। ड्यूरेशन कितना है, टी इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स 1 to 2 एक्टिविटी है, उसमें मेंशन 2 डेज के लिए, 4 मेंशन चाहिए 2 डेज के लिए। तो यहाँ पे लिख दिया अगेन, यहाँ पे एक्टिविटी जो भी 1 to 3 है, तो 1 to 3 एक्टिविटी जो भी है उसमें अगेन आपके पास मेंशन कितना है, 3 है, बट ड्यूरेशन कितना है, 6 है। तो 6 ड्यूरेशन के लिए 3 मेंशन चाहिए, दैट मीन्स 6 ड्यूरेशन, 6 डेज के लिए 3 मेंशन चाहिए, 1 2 3 4 5 6। देन अगेन एक्टिविटी 1 to 4 है, तो 1 to 4 में कितने डेज के लिए, 4 डेज के लिए 4 मेंशन चाहिए। तो 4 डेज के लिए 4 मेंशन चाहिए, तो इसमें अगेन 4 डेज के लिए 4 मेंशन चाहिए। देन अगेन 3 to 5 एक्टिविटी है, तो 3 to 5 एक्टिविटी जो भी है, ओके, उसमें ड्यूरेशन कितना है, 4 है, और कितना चाहिए, 3 मेंशंस चाहिए, 4 डेज के लिए 3 मेंशन चाहिए, आफ्टर 6 डेज, दैट मीन्स 7 डेज से स्टार्ट होगा। ओके, तो 7 डेज से कितना, 4 मेंशन चाहिए, 1 2 3 4। ओके, अगेन इसमें आपको क्या करना है, अगेन आपके पास एक्टिविटी कौन सी है, 2 to 6, 2 to 6 एक्टिविटी है, तो उसमें यहाँ पे 2 to 6 एक्टिविटी है, तो उसमें ड्यूरेशन कितना है, 5 है, और 4 मेंशन चाहिए, आफ्टर 2 ड्यूरेशन, दैट मीन्स 2 ड्यूरेशन के बाद 4 मेंशन चाहिए 5 डेज के लिए। 2 ड्यूरेशन के बाद 4 मेंशन चाहिए 5 डेज के लिए। ओके, जो भी यहाँ पे नेटवर्क में दिखाया है वो जस्ट हमने प्लॉट किया है। ओके, देन नेक्स्ट आपके पास है 4 to 6, 4 to 6 के लिए, 4 to 6 के लिए ड्यूरेशन कुछ नहीं है, ओके टी, बट 4 to 6 ड्यूरेशन कितना है, टी, मेंशन कितना है, 4, तो आफ्टर 4 डेज के बाद अगेन 4 डेज के लिए 4 मेंशन चाहिए, तो 4 डेज के बाद 4 डेज के लिए मेंशन चाहिए। देन अगेन 5 to 6 है, 5 to 6 में ड्यूरेशन कितना है, 5 है, और मेंशन कितना है, 3 है, तो कितने डेज के बाद, 6 प्लस 4, दैट मीन्स 10 डेज के बाद अगेन 5 आपको मेंशन चाहिए। तो ये 10 डेज के बाद 5 डेज के लिए 3 मेंशन चाहिए,
तो ये सब का आपको टोटल करना है, 4 + 4 + 3 दैट मीन्स 11। तो ये सब आप टोटल देखते हो तो आपको पता चलता है कि मेंशन इज वेरिंग फ्रॉम 11 to 3। फ्रॉम द बार चार्ट ऑफ द टेबल टू द हिस्टोग्राम प्रिपेयर्ड इज शोन इन द फिगर। फ्रॉम द बार चार्ट इट विल बी सीन दैट द डिमांड ऑफ द मेंशन वेरीज फ्रॉम 10 to 3 एंड द डिमांड ऑफ द 11 मेंशन इज ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 डेज। दैट मीन्स फर्स्ट डेवन 7 डेज के लिए मेंशन की डिमांड कितनी है, दैट इज 11। ओके, नाउ प्रिपेयर द टेबल ऑफ एक्टिविटीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दैट फ्लोट एज शोन बिलो। दैट मीन्स मैक्सिमम फ्लोट ज़्यादा है वो ऊपर रखना है, ओके, और मिनिमम फ्लोट है वो नीचे रखना है। तो मैक्सिमम फ्लोट जिसका है वो एक्टिविटी ऊपर रखना है। तो हमने आगे किया था तो मैक्सिमम फ्लोट 8 8 7 6 0 0 0 ऐसा आपको लिख देना है, 8 8 7 6 0 0 0। ओके, तो ए जी ई सी डी डी एफ, तो यहाँ पे ई एस टी ई एफ टी जो भी वैल्यूज है वो लिख देना है। फ्लोट्स जो भी है वो आपको अपने आगे सभी कैलकुलेशन किया था उसमें से हमें पता चल जाएगा। एक्टिविटी वन टू है, ए हैज़ अ फ्लोट ऑफ 8 डेज। दैट मीन्स डिले द स्टार्ट ऑफ दिस एक्टिविटी बाई 8 डेज। दैट मीन्स फ्लोट कितना है 8, तो आपको डिले कितना करना है, 8 डेज डिले करना है। एंड स्टार्ट इट फ्रॉम 9th डेज, दैट मीन्स आपको 8 डेज के बाद जो भी उसका मेंशन प्रोवाइड किया है 2 आवर्स 2 डेज के लिए, तो 8 डेज के बाद आपको देना है, वहाँ पे प्रोवाइड करना है। एक्टिविटी जी हैज़ अ फ्लोट ऑफ 8 डेज, शिफ्ट इट 8 डेज। ओके, तो एक्टिविटी जो जी है उसमें भी, यहाँ पे एक्टिविटी जी है, ओके, तो उसमें भी फ्लोट कितना है, 8 डेज है। तो जी एक्टिविटी में फ्लोट 8 डेज है, बट शिफ्ट इट 8 डेज, स्टार्ट इट ऑन 11th डे। दैट मीन्स एक्टिविटी जी की बात करें हम, तो एक्टिविटी जी इज, तो ड्यूरेशन कितना है, 2 डेज है आगे, और 2 डेज के बाद आपके पास फ्लोट 8 डेज मिला। दैट मीन्स 2 डेज + 8 डेज, दैट मीन्स 10 डेज। ओके, तो 10 डेज के बाद आपको क्या करना है, एक्टिविटी जी में आपको जो भी मेंशन है वो दिखाना है। ओके, बाकी सबका जो भी है, जो भी मेंशन का रिक्वायरमेंट है वो वैसे का वैसा रखना है। तो आपको टोटल करेंगे तो अभी क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। बाय दिस एडजस्टमेंट द डिमांड ऑन द मेंशन कम्स डाउन टू 7 एज शोन इन टेबल। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2, द नेटवर्क ऑफ द प्रोजेक्ट इज शोन बिलो इन फिगर 5.10। द रिक्वायरमेंट ऑफ द लेबर फॉर ईच एक्टिविटी इज शोन ऑन द टॉप ऑफ द एरो इन ब्रैकेट एंड द ड्यूरेशन एट द बॉटम। लेवल आउट द रिक्वायरमेंट ऑफ द लेबर इफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द लेबर नॉट टू एक्सीड टू 12 ऑन एनी डे। दैट मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ लेबर जो भी है वो 12 से बढ़ना नहीं चाहिए। फर्स्ट ड्रॉ द नेटवर्क एंड डिटरमाइन द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम TEI एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम TL फॉर द प्रोजेक्ट। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, TEI एंड TLJ वो फाइंड आउट करना है, TE और TL फाइंड आउट करना है। तो वो हमने क्रिटिकल पाथ पे से किया था कि कैसे वो करना होता है। ओके, तो इसमें जो भी पहले हमने फाइंड आउट किया था वही है। अभी देखो, 1 2 एक्टिविटी है, तो 1 2 एक्टिविटी है, तो उसमें ड्यूरेशन कितना दिया है, 3 डेज दिया है। तो TE इनिशियल क्या लेना है, 0, और +3 करेंगे तो क्या आएगा, 0 3। देन 1 3 एक्टिविटी है, 1 3 एक्टिविटी में अगेन TE क्या कितना है, 0, और TE सेकेंड दैट मीन्स EFT कितना है, दैट इज 7 आएगा। उसी तरह से 2 2 4 एक्टिविटी है, तो 2 2 4 एक्टिविटी में आपके पास TE कितना था, दैट इज 3 + 3, दैट इज इनिशियल क्या है, 3 है, प्लस अगेन 3 करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये आगे हमने सब किया कि कैसे फाइंड आउट करना होता है, EST EFT। ओके, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम तो 1 2 एक्टिविटी है, तो उसमें TL का वैल्यू कितना है, 7 है। LFT हमें फाइंड आउट करना है, तो LFT फर्स्ट ऑफ ऑल में 1 2 2 एक्टिविटी के लिए यहाँ पे क्या है, 7 है। देन 1 2 3 एक्टिविटी है, उसमें क्या है, दैट इज ऑल्सो 7।
देन 2 to 4 एक्टिविटी है, उसमें भी वैल्यू ऑफ टी एल इज इक्वल टू 10। देन 3 to 4 एक्टिविटी जो भी है उसमें अगेन टी एल का वैल्यू कितना है, 10 है। देन 3 to 5 एक्टिविटी है तो उसमें टी एल का वैल्यू कितना है, 12 है, जो भी दिया है ओके वो आपको लेना है। देन 4 to 6 है तो एल एफ टी कितना है और टी एल का वैल्यू कितना है, 4 to 6 जो भी है उसमें टी एल का वैल्यू कितना है, 16 है। वो सब वैल्यूज लिख के आपको जस्ट ड्यूरेशन जो दिया है ना उसमें से डिडक्ट करना है। दैट मीन्स 7 माइनस 3 दैट इज 4, 7 माइनस 7 दैट मीन्स 0, यहाँ पे 0 आना चाहिए। देन 10 माइनस 3 कितना आएगा, 7 आएगा। 10 माइनस 3 दैट इज 7, 10 माइनस 3 दैट इज 7, 12 माइनस 4 दैट इज 8, 16 माइनस 6 दैट इज 10, 16 माइनस 5 कितना आएगा, 11, 20 माइनस 12 8 आएगा, 20 माइनस 4 कितना आएगा, 16 आएगा। देन नेक्स्ट आपके पास फार्मूलाज है एल एफ टी माइनस ई एफ टी। एल एफ टी कितना है, एल एफ टी दिस वन और ई एफ टी दिस वन, दिस माइनस दिस करेंगे तो 4, तो आपको यहाँ पे फ्लोट 0 मिलेगा। तो जो भी फ्लोट 0 मिलता है दैट इज योर क्रिटिकल पाथ। ओके, तो यहाँ पे क्रिटिकल पाथ कौन सा आएगा, दैट इज 1, 3, 4, 6 and 7, 1, 3, 4, 6, 7 दैट इज योर क्रिटिकल पाथ। द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट अलोंग द क्रिटिकल पाथ इज 20 डेज। एंड नाउ ऑन द बेसिस ऑफ अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम डिटरम the cumulative labor for each day either in the same way as in the last example or draw the bar chart for each activity as shown in the table. आपको यहाँ पे the resources requirement आपने जो भी अगला example किया उसमें क्या किया था उस तरह से करना है। The resources requirement have been plotted with the time in histogram at figure 5.11. From the histogram it will be seen that the labor requirement varies between 3 to 17 and the fluctuation in the resource requirement is quite high. Hence it needs leveling up. Okay, original histogram ye hai. अभी क्या किया है आपने, आपने जो भी हमारी प्रोसीजर थी कि फ्लोट मैक्सिमम है वो ऊपर रखना है, फ्लोट मैक्सिमम ऊपर रख के आपको क्या करना है, जो भी फ्लोट फॉर एग्जांपल 5, 4, 4 वो सब है ओके, तो एक्टिविटी एच हैज़ अ फ्लोट ऑफ 5 डेज, लेट डिले इट स्टार्ट बाय 5 डेज, लेट इट स्टार्ट ऑन 9th डे ओके। तो एक्टिविटी एच की बात करें तो यहाँ पे एक्टिविटी जो एच है ओके, यहाँ पे एक्टिविटी एच कितनी है, दैट इज एक्टिविटी एच है तो उस पर फ्लोट कितना है, 5 डेज है। तो 5 प्लस 3 दैट मीन्स 8 डेज के बाद आपको क्या करना है, वो उसमें स्टार्ट करना है। फाइव फोर फोर ओके, तो इसमें एक्टिविटी एच की बात करें तो एक्टिविटी तो 5 प्लस 3 दैट मीन्स 8 ओके। जिसका भी फ्लोट ज़्यादा है ना वो उसका एक्टिविटी के आगे जो भी ड्यूरेशन है ना वो देखना है कि कितना ड्यूरेशन है, और उसको फ्लोट फॉर एग्जांपल 5 डेज है तो 3 प्लस वो आगे का ड्यूरेशन 3 है तो 3 प्लस 5 दैट मीन्स 8 डेज के बाद उस वहाँ पर मेशन प्रोवाइड करना है। उसी तरह से फॉर एग्जांपल जो भी आपकी एक्टिविटी है आगे ड्यूरेशन 3 डेज है और उसमें फ्लोट ज़्यादा आता है तो उसी तरह से उसमें भी आपको क्या करना है, उसको शिफ्ट करना है, आगे का जो भी ड्यूरेशन है वो लेके वो एक्टिविटी में फ्लोट ऐड करके फिर आपको वो ड्यूरेशन के बाद आपको मेशन्स प्रोवाइड करना है और लेबर प्रोवाइड करना है, तो दैट इज़ कॉल्ड द लेबलिंग ओके। एक्टिविटी एच हैज अ फ्लोट ऑफ 5 डेज एंड लेट इट स्टार्ट ऑन द 9th डे इंस्टेड ऑफ 4 डेज। एक्टिविटी ए इज डिलेड फॉर 3 डेज, नाउ इट शुड स्टार्ट ऑन 4th डे इंस्टेड ऑफ 1st डे। एक्टिविटी 5, 6 हैज 1 फ्लोट एंड डिले इट बाय 1 डे ओके एंड स्टार्ट इट ऑन द 12th डे।
तो ये सब ट्वाइस डे वगैरह दिया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि एक्टिविटी 5 6, दैट मीन्स जी एक्टिविटी है, तो उसका फ्लोट कितना है, 1 है। तो 5 6 की बात करें, यहाँ पे एक्टिविटी जो 5 6 है उसकी बात करें हम, तो यहाँ पे कितना है, 7 प्लस 4, तो 7 प्लस 4 कितना होता है, दैट इज 11। 11 प्लस अभी कितने डिले करना है, 1 डे डिले करना है। दैट मीन्स उसमें जो भी हम लेबर प्रोवाइड करेंगे वो आफ्टर 12 डेज के बाद प्रोवाइड करेंगे। ओके, दैट इज कॉल्ड लेबलिंग। द कैलकुलेशंस आर शोन इन द फिगर। बाकी का जो भी फ्लोट के अलावा 0 0 क्रिटिकल एक्टिविटी वाला जो भी है वो सेम टच सेम टू सेम रखना है आपको। बाकी जिसमें भी फ्लोट आ रहा है उसको पकड़ के आपको उसका टाइमिंग चेंज करना है, और उसका ड्यूरेशन वगैरह जो भी है, उसकी जो भी ड्यूरेशन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको थोड़ा डिले करना है, जिससे यहाँ पे आपको टोटल दिखेगा कि जो भी नंबर ऑफ लेबर है वो मैक्सिमम 12 ही हो रहा है, तो अभी बराबर है। फ्रॉम द मॉडिफाइड हिस्टोग्राम इट विल बी सीन दैट द डिमांड हैज़ कम डाउन फ्रॉम 17 टू 12, विच इज़ विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट। इफ फर्दर लेवलिंग इज रिक्वायर्ड देन सम नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज विल बी टैकल्ड इन दैट केस ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट में चेंज। ओके, थैंक यू।